नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनेत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 5 नवंबर मंगलवार 11 बजे मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक वंदे मातरम की गान के साथ आरंभ हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में मोहन सरकार ने लिए बड़े फैसले। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकारों को दी महत्वपूर्ण निर्णयों की बिंदुवार जानकारी। MP सिविल सेवा में महिला आरक्षण बढ़ाकर 35% किया गया। हमारे स्टाफ रिपोर्टर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को MP सिविल सेवा में महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया। साथ ही नगद उर्वरक बिक्री केंद्रों पर किसानों की लाइन खत्म करने के लिए कैबिनेट ने ऐसे 250 और केंद्रों को मंजूरी दी है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की उम्र 40 साल से बढ़ाकर 50 साल कर दी गई है। सतपुड़ा थर्मल हाउस की 4 इकाइयों को बंद करने और उनके स्थान पर नया थर्मल प्लांट लगाने का निर्णय भी लिया गया है। चूंकि वे काफी पुराने हो गए हैं, इसलिए उन्हें बदला जा रहा है। इनकी कुल क्षमता 830 मेगावाट थी, नए थर्मल प्लांट की क्षमता 660 मेगावाट होगी। अगला क्षेत्रीय निवेशक शिखर सम्मेलन 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में आयोजित किया जाएगा। तो 286 डबल लॉक के विपणन समिति के 141 विपणन समिति के से संबंधित 121 जो केंद्र ऑलरेडी संचालित थे, उसमें 254 नगद नए उर्वरक विक्रय केंद्रों की स्वीकृति आज दी गई है। जैसे कि हम लोग हमेशा ये बातें आती थी कि लंबी लाइनें हैं, खाद खरीदने में किसानों को समय लग रहा है, परेशानी हो रही है। एक बहुत बड़ी राहत इसे मिलेगी, 254 नए केंद्र खोले जाएंगे। और ख़ास तौर से जो डिफ़ॉल्टर किसान हैं, जिनको कि नगद में खाद मिल जाए, इसके लिए इस प्रकार के सेंटर की आवश्यकता थी। ये एक निर्णय हुआ है। सतपुड़ा सारणी में सतपुड़ा ताप विद्युत गृह के 4 जो बहुत पुराने इकाइयाँ थी, 410 मेगावाट की 2 थी और 420 मेगावाट की 830 मेगावाट टोटल जो है उसको डीकमीशन किया जाएगा। 410 थे वो 205 के 2 थे, 410 हो गए और 210 के 2 थे जो 420 मेगावाट हो गए। तो इनको डीकमीशन करके और 660 मेगावाट जो क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहलाता है, सुपर क्रिटिकल, जो एफिशिएंसी के मामले में सबसे बेहतर पावर प्लांट होते हैं, तो इसको रिप्लेस करके और 660 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई। ये भी थर्मल का ही होगा? थर्मल ही। कोल लिंकेज ऑलरेडी है, तो ये जो पुराने 40 साल पुराने हैं, जिनका PLF वगैरह बहुत कम हो जाता है, चलते चलते पुराने हो जाते हैं, सुपर क्रिटिकल में अलग से एलोकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें अलग से एलोकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, कोल लिंकेज जो हमारा है उसी से ये पावर प्लांट लग जाएगा। मेडिकल कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की आयु सीमा 40 थी, उसको बढ़ा के 50 किया गया है, क्योंकि तेजी से मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। और जो SR शिप करने की आयु सीमा है वो 45 है। SR शिप करने के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लोग अप्लाई कर पाते हैं, तो इसलिए 40 से 50 साल की आयु सीमा आज कैबिनेट ने बढ़ाई है, जिससे हमें असिस्टेंट प्रोफेसरों को मिलने को की नियुक्ति में अब ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत TV लाइव के साथ। नमस्कार।